ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां सिंधिया ने अचलेश्वर चौराहे पर अपने पूर्वजों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही शहर में विकास योजनाओं के निरीक्षण की शुरुआत की गई। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर प्रगति के नए पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। शहर में जहाँ नए विकास कार्य चल रहे हैं, तो वहीं पुरानी विरासत को भी सहेजने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और सभी जन नेताओं द्वारा ग्वालियर को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें सभी मुख्य चौराहों को भी सजाने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस चुनावों से पहले हर बार जीत का दावा करती है और चुनाव परिणाम आने के बाद अपने स्थान पर दोबारा पहुंच जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ी है, साथ ही एक नया त्रिपुरा उभर रहा है। ग्वालियर को दोबारा निखारने की योजना, मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी हम शेजवल के साथ मिलकर बना रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ प्रगति और विकास की नई योजनाएं बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, एलिवेटेड रोड हो, 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, बाड़े का सौंदर्यकरण हो, वहीं जो हमारी पुरानी विरासत है उसको भी निखारने का कार्य हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।